मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का इस आईपीएल 2022 में कोई भी पत्ता सीधा नहीं पड़ रहा। अभी तक उनकी टीम ने टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं और 7 में ही हार का मुंह देखना पड़ा है। 21 अप्रैल को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस जीत की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आखिरी 4 गेंद पर 16 रन ठोक कर मिस्टर फिनिशर एमएस धोनी ने जीत उससे छीन ली। हालांकि इस मैच में मुंबई इंडियंस 2 बदलाव कर मैदान में उतरी। जिन 2 प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया गया उनमें ऑस्ट्रेलियाई पेसर रिले मेरेडिथ के अलावा ऋतिक शौकीन शामिल थे। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले ऋतिक ने आईपीएल में इस मैच से आगाज किया। 21 साल के ऋतिक मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में ऋतिक ने बैटिंग में 3 चौकों के साथ 25 रन का योगदान दिया। बेहद किफायती बॉलिंग करते हुए ऋतिक ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन दिए। उनका इकोनॉमी रेट 5.75 का रहा। ऋतिक को इस साल फरवरी में मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा था। ऋतिक दाएं हाथ से ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और दाएं हाथ से ही बैटिंग करते हैं। दिवंगत कोच तारक सिन्हा की पारखी नजरों में तराशे गए ऋतिक को अभी रणजी में दिल्ली की टीम से आगाज करना बाकी है। इंडिया इमर्जिंग और अंडर 23 के लिए खेले गए 8 लिस्ट ए मैचों में ऋतिक ने 4.92 के इकोनॉमी रेट से 8 विकेट लिए हैं। ऋतिक को 2019 में बांग्लादेश में खेले गए ACC एमर्जिंग टीम्स एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया। ऋतिक ने लिस्ट ए मैच का आगाज 14 नवंबर 2019 को नेपाल के खिलाफ एमर्जिंग टीम्स कप के दौरान किया था। ऋतिक शौकीन का नाम ऋतिक कैसे पड़ा इसकी भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल ऋतिक का जन्म 18 जनवरी 2000 को हुआ। उससे 4 दिन पहले 14 जनवरी को बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी। ऋतिक शौकीन का नाम उनके माता पिता ने ऋतिक रोशन के नाम पर ही रख दिया। ऋतिक के पिता राकेश शौकीन ने ट्विटर प्रोफाइल में खुद को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बीजेपी दिल्ली प्रदेश का पूर्व उपाध्यक्ष बताया हुआ है। अब देखना होगा कि ऋतिक रोशन जैसे बड़े पर्दे के सुपरस्टार है वैसे ही ऋतिक शौकीन क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर बन पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।